एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रिज वैली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है क्लास 10 साइंस का, उसी को आगे डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे, और अगर आप इस चैप्टर को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आप इस लेसन के पहले 6 पार्ट्स, इससे पहले अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें। ये इसका 7th पार्ट है इस चैप्टर का। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। एक्सक्रीशन, देखिए हमने अभी चैप्टर में इससे पहले पढ़ा कि हमारी जो बॉडी है या प्लांट बॉडी है, वो गैसियस वेस्ट को, फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलने वाली वेस्ट को, रेस्पिरेशन के दौरान निकलने वाली वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करती है। लेकिन हमारी बॉडी में और बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट निकलते हैं हमारी बॉडी में। दोस्तों, ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होते हैं, इनका रिमूवल बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे शरीर में, क्योंकि इस तरह के वेस्ट हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर ये लंबे टाइम तक हमारे शरीर में बने रहें तो हमें खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि हमारी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालती है, उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सिंपल डिफ्यूजन से ही एक्सक्रीशन कर लेते हैं वाटर के अंदर, लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक स्टैंड अलोन सिस्टम की ज़रूरत होती है, ताकि एफिशिएंटली उनकी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो दोस्तों, हम अब डिस्कस करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो यहाँ पे आपके सामने डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इस डायग्राम की भी अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लें। तो जो सबसे मेन ऑर्गन क्या है ह्यूमन एक्सक्रीशन के लिए, वो है हमारी किडनीज। हमारे पास 2 किडनीज होती हैं, ठीक है, जो हमारे बैकबोन के दोनों तरफ लोअर एब्डोमन में लोकेटेड होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 किडनीज हैं आपकी, आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे 2 किडनीज हैं। ठीक है, इसके अलावा दो यूरेटर होते हैं हमारे पास, यहाँ दे रखा होगा आपको, लेफ्ट यूरेटर आपको मार्क कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, 2 यूरेटर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे किडनी से जुड़े हुए। यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से हैं देखिए, किडनी, 2 किडनियाँ, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। ठीक है दोस्तों, किडनीज जो होती हैं वो लोअर एब्डोमन में लोकेटेड होती हैं, बैकबोन के लेफ्ट और राइट साइड में। यूरिन जो प्रोड्यूस होता है किडनीज का, वो यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है, और जब ज़्यादा हो जाता है तो ये हमें अर्ज महसूस होती है कि हमें जैसे यूरिनेट करने के लिए जाना है। और फिर यूरेथ्रा जो ट्यूब होती है, यूरेथ्रा जो ओपनिंग होती है, उसके ज़रिए हम उस यूरिन को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, जब हम इजेशन करते हैं, फिकल मैटर रिमूव करते हैं, ठीक है, टॉयलेट जाते हैं, सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो हम डाइजेशन के दौरान बनने वाले वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। और जब हम यूरिनेट करते हैं, उस वक्त हम नाइट्रोजिनस वेस्ट को, ब्लड को फिल्टर करके निकाले गए वेस्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं। एक बार दोस्तों, मैं इसको हल्की सी फंक्शनिंग आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको नज़र आ रही होगी रीनल आर्टरी होती है, ये देखिए, ये रीनल आर्टरी है हमारी। रीनल आर्टरी क्या करती है, डर्टी ब्लड लेके आती है। ये रेनल आर्टरी डर्टी ब्लड को लेके आती है किडनीज के अंदर। किडनीज क्या करती हैं, उस ब्लड को फिल्टर कर देती हैं। जैसे दोस्तों, हमारे घर में आरओ सिस्टम होता है। आरओ सिस्टम के अंदर एक तरफ से तो गंदा पानी आता है जिसको फिल्टर करना है। अब आरओ सिस्टम के अंदर निकालने के लिए, पानी को निकालने के लिए 2 पाइपिंग्स होती हैं। एक पाइपिंग तो गंदगी निकालती है, और दूसरी पाइपिंग जो है साफ पानी निकालती है, जिसको हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा ही कुछ सिस्टम किडनीज के अंदर होता है। जो रीनल आर्टरी है, वो डर्टी ब्लड को किडनीज के अंदर लेके आती है। उसके बाद रीनल वेन जो है, ये साफ ब्लड को बॉडी तक वापस ले जाती हैं। और जो यूरेटर्स हैं हमारी, ये यूरेटर्स गंदगी को, ठीक है, हमारे शरीर की गंदगी को यूरिनरी ब्लैडर में ले आती हैं। यूरिनरी ब्लैडर टेम्पररी स्टोरेज सिस्टम का काम करता है, और जब इसके अंदर यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो हमें अर्ज महसूस होती है, और यूरेथ्रा नाम की ओपनिंग के जरिए हम उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यूरेथ्रा में दोस्तों एक स्फिंक्टर मसल होती है, ठीक है, वो स्फिंक्टर मसल ये तय करती है कि जो यूरिन है वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ही बाहर आए। ठीक है दोस्तों, अब हम कंप्लीट यूरिन कैसे बनता है किडनीज के अंदर,
किडनीज के अंदर ऐसा क्या सिस्टम होता है कि यूरिन बन जाता है, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो डायग्राम आपको अपने सामने नजर आ रहा है ये डायग्राम है नेफ्रोन का, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ नेफ्रोन। हमारी जो किडनीज हैं वो मिलियंस ऑफ नेफ्रोन से मिलकर बनी होती हैं। इस तरह के कई लाख छोटे छोटे नेफ्रोन्स हमारी किडनीज के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो नेफ्रोन्स हैं ये हमारी किडनीज के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। देखिए जो यूरिन हम बनाते हैं, यूरिन का पर्पस है हमारे शरीर से यूरिया, यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजन वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या होता है और कैसे होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए नेफ्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी नज़दीक नज़दीक होती हैं, कई लाख नेफ्रॉन्स होती हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इस स्ट्रक्चर पे हम पहले आते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे जो आपका अंदर, यहाँ पे इसके अंदर जहाँ पे मैंने डॉट लगाए हैं, यहाँ पे कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, यानी आपस में गुथी हुई कैपिलरीज होती हैं जिनको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ठीक है दोस्तों, और इसके यहाँ पे कप शेप्ड कैप्सूल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखिए ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ये कप की शेप का है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एक कप की शेप का पार्ट है ये, इस तरह की शेप का, इसको कहा जाता है मोमेंट्स कैप्सूल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये होगा हमारा ग्लोमेरुलस, एक हमारा हो गया बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल के अंदर मौजूद है, अंदर की तरफ मौजूद है मतलब। उसके बाद एक ये हाईली कोइल्ड पार्ट है, ठीक है, उसके बाद एक यू शेप की ट्यूब है, ये यू शेप की ट्यूब है एक। उसके बाद फिर एक और हाईली कॉन्व्यूलेटेड हाईली कोइल्ड पार्ट है हमारी नेफ्रोन का। उसके बाद आती है ये लास्ट पार्ट जो कि हमारी कलेक्टिंग डक्ट है जो यूरिन को निकाल के ले जाएगी। ये इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो अब हम इसकी फंक्शनिंग को कंप्लीट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, कि ये फंक्शन कैसे करता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसकी फंक्शनिंग को, डिटेल में डिस्कशन करते हैं इसकी फंक्शनिंग का। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो रेनल आर्टरी है यहाँ पे, ये डर्टी ब्लड को लेके आती है, यहाँ पे डर्टी ब्लड को लेके आती है। डर्टी ब्लड जाता है यहाँ ग्लोमेरुलस के अंदर, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, यहाँ पे कैपिलरीज का एक गुथा सा बना हुआ है, यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे जाता है। और बोमेंस कैप्सूल क्या करता है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेजेंट ब्लड में से बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ले लेता है, फिल्टर कर लेता है। ये जो है फिल्ट्रेशन करते वक्त, एब्जॉर्प्शन करते वक्त, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन करते वक्त ये नहीं देखता कि वो प्रोडक्ट यूजफुल है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है। यानी जब ये बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस के अंदर से, ब्लड के अंदर से मटेरियल्स को फिल्टर करता है, अपने अंदर लेता है जब बोमेंस कैप्सूल, तो ये यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, एक्सेस वाटर जैसे वेस्ट सब्सटेंसेस को भी खींच लेता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूजफुल सॉल्ट्स को भी खींच लेता है। यानी बोमेंस कैप्सूल के अंदर, किडनी ट्यूब्यूल के अंदर अब यूजफुल मटेरियल्स भी मौजूद हैं और वेस्ट मटेरियल्स भी मौजूद हैं, दोनों चीज़ें मौजूद हैं उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हुआ इसका ब्लड का हमारा फिल्ट्रेशन। उसके बाद ब्लड मूव करता है इन पार्ट्स में, ये हमारे पहला कॉन्वोलेटेड पार्ट है, उसके बाद ये यू शेप की किडनी ट्यूब्यूल है, उसके बाद फिर एक और हाईली कोइल्ड पार्ट है, इन पार्ट्स में मूव करता है। तो दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा इन पार्ट्स के आसपास ये ब्लड वेसल्स, ब्लू और रेड कलर की ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं। ये जो ब्लड वेसल्स इनके चारों तरफ फैली हुई हैं दोस्तों, ये इस किडनी ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट फिल्ट्रेट में से यूजफुल चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी मैंने आपको बताया था कि बोमेंस कैप्सूल जब एब्जॉर्प्शन करता है तो ब्लड में से यूजफुल और वेस्ट दोनों सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये जो वेस्ट सब्सटेंसेस और यूजफुल सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, ये इन कोइल्ड पार्ट्स में और इस यू शेप के पार्ट में मूव करेगा। इन पार्ट्स के चारों तरफ ब्लड वेसल कैपिलरीज लिपटी हुई हैं, ये लिपटी हुई ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, इसके अंदर दौड़ रहे सब्सटेंस के अंदर से, लिक्विड के अंदर से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सम अमाउंट ऑफ वाटर, यूजफुल सॉल्ट्स को वापस एब्जॉर्ब कर लेंगे और इस किडनी ट्यूब्यूल के अंदर सिर्फ यूरिया, यूरिक एसिड, वेस्ट सॉल्ट्स, एक्सेस वाटर जैसे वेस्ट मटेरियल्स ही रह जाएंगे। और फिर वो वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो यहाँ यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएंगे और जो ब्लड है वो साफ होके यहाँ रिनल वेन से बाहर निकल जाएगा।
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे यूरिन के अंदर हम वाटर की अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स। कैसे? हमारे शरीर के अंदर वाटर की कंडीशन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। कैसे? अगर हमारे शरीर को पानी की कमी महसूस हो रही है तो जो हमारा नेफ्रोन है वो यूरिन के अंदर काफ़ी कम पानी रहने देगा, ज़्यादातर पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं है तो ये क्या करेगा, प्रॉपर अमाउंट वाटर की एक प्रॉपर अमाउंट को यूरिन के अंदर रहने देगा और काफ़ी कम अमाउंट को रीअब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरीके से हमारा यूरिन फॉर्म होता है दोस्तों। अभी अभी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में समझाया है कैसे यूरिन फॉर्म होता है। ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं एक्सक्रीशन करने के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें पता है कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, ठीक है। प्लांट ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करता है, स्टोमेटल ओपनिंग्स के जरिए। एक्सेस वाटर को कैसे रिमूव करता है, ट्रांसपीरेशन के जरिए, ठीक है। डेड सेल्स होती हैं प्लांट के अंदर बहुत सारी, वो अपने बहुत सारे वेस्ट को डेड सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर स्टोर कर देता है, ठीक है। और वो अपनी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स लीव्स के अंदर भी स्टोर करता है, और जब पत्तियां झाड़ने का यानी ऑटम सीजन आता है तो वो लीव्स झड़ जाती हैं और उनके अंदर स्टोर्ड वेस्ट मटेरियल्स भी रिमूव हो जाते हैं। बहुत से प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल के अंदर मौजूद वैक्यूल्स में स्टोर करते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में। और बहुत से प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को रेसिन्स और गम्स में स्टोर करते हैं। बहुत से प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को जाइलम में स्टोर करते हैं, ठीक है। और प्लांट की जो रूट्स हैं वो सोइल में भी एक्सक्रीशन करती हैं। तो दोस्तों प्लांट के अंदर कोई एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल सिस्टम नहीं है। प्लांट की लीव्स की हेल्प से, जाइलम की हेल्प से, सॉइल के अंदर प्रेजेंट रूट्स की हेल्प से, ठीक है, स्टोमेटा की हेल्प से, ऐसे कई तरीके से वो जो है एक्सक्रीशन करते हैं अपना। ये आप पॉइंट्स में अच्छे से जो है डिस्कस कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ आपका लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है दोस्तों वो फिनिश होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।